मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लासिक सब्जेक्ट एसएसटी पार्ट ऑफ सीरीज चैप्टर वन एट फर्स्ट टुडे वी एक्सप्लेन द समरी चैप्टर नेम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नताएं। हम अपनी विभिन्नताएं को समझें। इंडिया में क्या क्या विभिन्नताएं, चाहे वो कास्ट के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो रिलीजन धर्म के अकॉर्डिंग हो। तो एट फर्स्ट आई एम टेलिंग अबाउट अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू रिटन ए बुक या राइट ए बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वर्ड लिखा है, मैं इसको लास्ट में समझाऊंगा आप लोगों को। बट और ये यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी की पूरा वर्क द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बुक में लिखा है, जिसके लेखक हैं, राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। दे आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो, फर्स्ट डाइवर्सिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स, यानी वो स्टेट। डाइवर्सिटी का मतलब है कि किसी भी स्टेट में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। जैसे विभिन्नताओं में धर्म के लोग अलग हैं, किस जाति के लोग अलग अलग हैं। पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, लोग कई तरीके से एक दूसरे से अलग अलग हैं। वी लाइक टू वैरायटी ऑफ फूड्स, वी एंजॉय बाय प्रैक्टिसाइज डिफरेंट फेस्टिवल्स। देखो, ये एग्जांपल्स हैं कि हम सभी अलग अलग भोजन की वैरायटियों को पसंद करते हैं और अलग अलग धर्मों को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सभी विभिन्नताएं हैं। जैसे लाइक एग्जांपल, हिंदू धर्म के अलग फेस्टिवल, हिंदू धर्म अलग फेस्टिवल मनाते हैं, मुस्लिम्स अलग फेस्टिवल मनाते हैं, बौद्ध धर्म के अलग फेस्टिवल हैं, जैन धर्म के अलग फेस्टिवल। तो ये सभी विभिन्नताएं हैं। और इस चैप्टर में डाइवर्सिटी विभिन्नताओं को ही समझाया गया है कि विभिन्नताएं क्या क्या हैं इंडिया में। Hence, diversity add positive among people, लेकिन विभिन्नताएं लोगों को जोड़ती हैं, ये बड़ी पॉजिटिविटी है। अब कैसे जोड़ती हैं, जैसे देखो अलग अलग तो क्या है, पहले इसका एक्सप्लेन किया, लैंग्वेज फूड रिलीजन एक्सेट्रा बिकम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, कि जो लैंग्वेज है, भोजन है, धर्म है, ये पुराने और न्यू लोगों को आपस में मिक्स करते हैं। अब जोड़ने का के रीजन बहुत से हैं। एक रीजन मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सम स्टेट ए नंबर ऑफ स्पीसीज, कुछ स्टेट है काफ़ी जो हमारे रसोइयों में काम आती स्पाइसेस मसाले रखते हैं, पीपर्स क्लोव कार्डमम जैसे काली मिर्च, ये जो है ये ग्रोन हिल्स, ये पहाड़ों के ऊपर होती है। सो स्पाइसेस अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, तो ये जो मसाले हैं इनको व्यापारी लोग पसंद करते हैं। तो इन मसालों की वजह से व्यापारी लोग, जेस घूमने वाले एंड अरब ट्रेडर्स, के जो अरब के व्यापारी उनका ध्यान आकर्षित हुआ, वो यहाँ आए तो उनके कल्चर्स यहाँ के लोगों से मिले, यहाँ के कल्चर वो ले लोग ले गए, मसाले उनको ले जाने के बाद साथ में ये भी मिक्स हुआ कल्चर भी। तो ये है इसकी पॉजिटिविटी ऐड होना। अब यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन इंडिया मैनी रिलीजन बढ़ द अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर फ्रीडम। देखो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग होते हुए भी सबों में एकता है। मैंने फर्स्ट में ये बताया था यूनिटी डाइवर्सिटी, मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो, हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख धर्म अलग अलग लोग, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। बट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्री होने के लिए इंडिया के सभी धर्मों ने उनके अगेंस्ट जाके एक साथ मिलके उनको देश से बाहर निकाला, अपने देश को आज़ाद कराया, और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं में भी एकता इंडिया में।
तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इन द डाइवर्सिटी. तो बॉयज या डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो प्रॉपर वे में सुनना है, उसके बाद आपको अपना जो लेसन है वो पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते उसको समझना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो इजी वे में आपको समझ में आ जाए. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.